सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बीदर से हूँ। प्यारे छात्रों, गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी CBCS पाठ्यक्रम में BSc फोर्थ सेम बेसिक हिंदी में हानुस नामक नाटक रखा गया है। आज हम हानुस नामक नाटक के 10वें भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। 10वें भाग में आप सभी का स्वागत है। प्रिय छात्रों, मैंने अभी तक आपको इस नाटक के 9 भाग के बारे में पढ़ाया है। हानुष भीष्म साहनी के एक प्रसिद्ध नाटक है और हानुष इस नाटक के प्रधान पात्र है। कात्या हानुष की पत्नी है और पादरी हानुष के बड़े भाई हैं और साथ साथ टाबर, जॉर्ज, जान, हुसाक, सिवचेक आदि व्यापारी का पात्र भी इस नाटक में आता है। प्रिय छात्रों, जो हानुष अपनी कड़ी मेहनत से 17 साल के जो अपने मेहनत के बाद जो घड़ी बनाने का काम जो पूर्ण किया, वह उसी घड़ी का अब उद्घाटन का समारोह होने वाला है। नगर पालिका पर हानुष की घड़ी लगाई गई है। हानुष अपने परिवार के साथ उस घड़ी जो उद्घाटन के समारोह में गया है, साथ साथ पूरे व्यापारी लोग हानुष के साथ है। व्यापारियों ने हानुष को राजा जो भी आपको सवाल पूछेगा उसे सही तरह से उत्तर देने को कह दिया गया है, लेकिन हानुष के मन में कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि राजा उससे क्या प्रश्न पूछेगा, हानुष के उत्तर से राजा खुश होगा या नहीं, यह सभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु अब हानुष और राजा के बीच में, अब क्योंकि राजा का आगमन हो चुका है, राजा ने हानुष से प्रश्न पूछने वाला है, वह क्या प्रश्न पूछेगा और हानुष उसके उत्तर कैसे देने वाला है, उसका दृश्य, उस घटनाक्रम का अध्ययन हम इसी भाग में करेंगे। पिछले कक्षा में हमने देखा महाराज और हानुष के बीच में जो बातें हो रही थी, महाराज ने हानुष को घड़ी के बारे में सवाल पूछा था, उन्होंने कि आखिर आप ही है घड़ी बनाने वाला, तो हानुष डर से ही वह उत्तर दे रहा है। महाराजा पूछता है कहाँ के हो, तो लाट पादरी कहता है हमारे गिरजे का एक पादरी का भाई है ये। जिस तरह से राजा हानुष से आकर पूछते हैं कि आप कहाँ के हैं, तो पादरी का उत्तर मिलता है कि हमारे ही एक लाट पादरी का भाई है। महाराजा हम तुमसे बहुत खुश है, पहले जिस तरह से घड़ी का बजना और लोगों का जमावड़ा होना, यानी पूरे शहर में एक खुशी का लहर देखकर राजा तो पहले हानुष के ऊपर खुश जताते हैं, वह खुशी से कहते हैं कि हम भी खुश हैं क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया है, यह घड़ी दुनिया की पहली घड़ी थी, इसी कारण राजा भी हानुष को खुशी का बात बताते हैं। और तुम बड़े होशियार आदमी हो, यह हुनर तुमने कहाँ से सीखा है? हानुष हुजूर, बचपन में ही मैंने सुना था कि किसी देश में गिरजे पर एक घड़ी लगी है, उसी से घड़ी बनाने का ख्वाहिश पैदा हुई। जिस तरह से राजा के प्रश्न के उत्तर में हानुष कहता है कि मुझे बचपन में मैंने कई लोगों के यानी मैंने सुना, तब मुझे मन में यह ख्वाहिश जागृत हुई कि मुझे घड़ी बनाने की मैंने कोशिश किया, आज उसी के फल के कारण मैंने यह घड़ी बनाया है। हानुष कहता है महाराज ठीक है, आपने घड़ी बनाने का काम कहाँ से सीखा? हानुष उत्तर देता है कि हुजूर बहुत लोगों ने मेरी मदद किया है और यहाँ के यूनिवर्सिटी के एक बड़े व्यक्ति ने भी मुझे सिखाया है। जिस तरह से वह मैंने आपको जिस तरह से पिछले भाग में बताया, हानुष एक स्वाभिमानी, ईमानदारी, भोला भाला इंसान, जिस तरह से राजा उसे प्रश्न पूछते हैं, जो भी उन्हें मालूम है उसी की क्लास, उसी ही ढंग से वह उत्तर देने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है कि मैंने इस घड़ी बनाने में मुझे बहुत सारे लोगों ने मदद किया है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के एक बड़े व्यक्ति ने भी मुझे घड़ी बनाने की कला सिखाया है, शहर के लोगों ने मुझे सामान बना बना कर बड़ी मदद की है। महाराज फिर से पूछता है नगर पालिका वालों ने तुम्हारी क्या मदद की है? जिस तरह से हानुष बताने के कारण राजा हानुष से प्रश्न पूछता है कि नगर पालिका ने आपको किस तरह से मदद किया, हानुष उत्तर देते हैं कि हुजूर मैं एक कारीगर हूँ, नगर पालिका वालों ने मुझे 5 सालों तक मुझे वजीफा दिया। महाराज फिर सवाल पूछता है कि आपने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी? जिस तरह से हानुष के हर एक उत्तर के बावजूद भी
राजा उसे प्रश्न उठाते हैं, यानी प्रश्नों की हम यूं कहें कि वह प्रश्नों की छड़ी लगा देते हैं। हानुष को वह टेढ़े प्रश्न पूछकर हानुष को फंसाना चाहते हैं। इसी कारण राजा ने पूछा कि आपने नगर पालिका की तरफ से तो वजीफा लिया, अनुदान लिया, लेकिन मैं एक राजा हूँ, हमारी तरफ से आपने यह अनुदान या वजीफा क्यों नहीं मांगी? इस तरह से राजा प्रश्न पूछ। हानुष कहता है कि हुजूर, अब घड़ी बन गई है, यह सब आपकी ही दौलत है। जिस तरह से हानुष कहता है कि वह सब कुछ तो हो गया है हुजूर, यह घड़ी तो अब बन गई है, यह घड़ी तो आपकी ही दौलत है। हानुष कहता है कि मेरी घड़ी में नक्षत्र भी दिखाए गए हैं हुजूर, यह बहुत अच्छी है। अपनी घड़ी की विशेषता के बारे में हानुष राजा से परिचय दे रहा है, क्योंकि उनकी घड़ी की खासियत क्या है। वह कहता है कि मेरी घड़ी में मैंने नक्षत्र भी दिखाया गया है। महाराज पूछता है कि बहुत अच्छा हुआ, तुमने कितने दिन लगाए गए घड़ी बनाने में? तो राजा फिर प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा हो गया, आपने घड़ी बनाने में कितने समय लगा दिया? हानुष उत्तर देता है कि बहुत वक्त लग गए मालिक, 17 साल लग गए। महाराज कहता है कि 17 साल और हमें खबर तक नहीं हुई, घड़ी छीप कर बनाते रहे हो? तो वह क्रोध में आकर राजा फिर प्रश्न पूछते हैं कि आपने 17 साल तक घड़ी बनाते रहे और हमें ये खबर भी नहीं दिलाई, यानी हमें कुछ सूचना भी नहीं दिया, और आपने छिप कर यह काम किया? तो उसके उत्तर में हानुष कहता है कि जब तक कोई चीज बनकर तैयार न हो जाए, मैं क्या बताऊं, क्या दिखाऊं? घड़ी अब बनी, घड़ी कब बनेगी मैं भी नहीं जानता था मालिक। महाराज कहता है कि अगर अब ये घड़ी बनाना चाहो तो कितने साल लगेंगे? फिर राजा उसे प्रश्न पूछते हैं कि चलो ठीक है, आपने 17 साल तक बिना हमें सूचना दिया, जानकारी बिना देते हुए आपने घड़ी बनाई और हमसे वजीफा भी नहीं मांगा। अब मुझे ये बताओ कि आपको आपको अगर दूसरी घड़ी बनाना है तो उसके लिए आप कितना समय लेंगे? तो हानुष कहता है कि नहीं हुजूर, अब तो इसका भेद मालूम हो गया है, अब तो जल्द ही बन जाएगी। महाराज कहता है कि दूसरी घड़ी कितने देर बनेगी? 2 साल में, 1 साल में? हानुष उत्तर देता है कि कुछ कह नहीं सकता हुजूर, 2-1 साल में तो बन सकती है। देखिए जिस तरह से हानुष उत्तर से राजा संतुष्ट नहीं है, हानुष के उत्तर से राजा को समाधान न मिलने के कारण वह हानुष को किसी गलती में फंसाने की कोशिश राजा यहाँ पर कर रहा है। उन्होंने हानुष को ऐसे यानी टेढ़े प्रश्न पूछते हैं कि हानुष उत्तर देने में डर जाए। इसी कारण महाराजा हानुष से बार बार प्रश्न पूछता है, और जिस तरह से हानुष भी जितना उन्हें मालूम है वह उत्तर देते हैं, और वह कहते हैं कि अगर मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन 1-2 साल में शायद मेरी दूसरी घड़ी बन जाएगी। परंतु हानुष यह भी कहता है कि अब मुझे दूसरी घड़ी बनाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। देखिए इस तरह इस भूभाग में इस घटनाक्रम के बारे में हम जब देखते हैं कि महाराजा हानुष से बार बार प्रश्न पूछता है कि आपने मुझे जानकारी नहीं दिया, आप 17 साल तक घड़ी छिप कर बनाते रहे और मुझे वजीफा भी यानी जो पैसा वो भी नहीं मांगा, और अब अगर आपको अगर दूसरी घड़ी बनाना है तो कितने साल में बनेगी, कैसे बनेगी, सब कुछ वह प्रश्न पूछते हैं। महाराज पूछता है कि क्या इससे बेहतर बनेगी, जो अब जब दूसरी घड़ी जब आप बनाएंगे या मैं जब कहूंगा दूसरी घड़ी, क्या अब जो घड़ी बनी है उससे भी अच्छी बनेगी या बेहतर बनेगी? हानुष उत्तर देता है, क्या कहूँ हुजूर, दूसरी बार घड़ी बनाते समय कोशिश तो यही रहती है कि पहले से भी बेहतर बने। महाराज पूछते हैं कि अध्यक्ष को देखते हुए, जो यहाँ पर वो नगर पालिका का अध्यक्ष था, उन्हें देखते हुए कहते हैं दूसरी घड़ी बनेगी तो कहाँ पर लगेगी? हुसाक बोलते हैं कि जहाँ पर आप कहेंगे वहां पर लगेगी हुजूर, महाराज इस घड़ी को लगाते समय हमें क्यों नहीं पूछा? फिर महाराज यह प्रश्न पूछते हैं कि जो अब घड़ी लगाई गई है नगर पालिका पर घड़ी लगाते समय हमसे मंजूरी क्यों नहीं ली गई? तो वह पूछता है, हुसा कहता है कि यह आपके स्वागत के लिए ही लगाया गया है हुजूर। जो भी वहां पर देखिए व्यापारी लोग राजा को खुशी करने के लिए जो भी उनकी तारीफ करते हैं, फिर भी राजा तारीफ में वह न आकर वह अपने प्रश्नों वह बार बार वह प्रश्न पूछता है, सभी व्यापारियों को हानुष को तंग करने की कोशिश कर रहा है। तो वह कहते हैं कि जब दूसरी घड़ी
जब कब बनेगी, और वह उसके लिए भी वह समय मांगता है। साथ साथ वह यह भी कहता है कि जब यह घड़ी यहाँ पर लगाई गई तो हमसे मंजूरी क्यों नहीं ली गई। महाराज के साथ साथ हुसाक और टावर की बात बात उनके बीच में भी बातचीत होती है। महाराजा नगर पालिका पर घड़ी लगाने से खुश हो जाते हैं। आखिरकार वह कहता है कि अब हमारे शहर आने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। जिस तरह से टावर और हुसाक थोड़ा विषय बदलते हुए महाराजा को खुश करते हैं, सातरा राजा भी खुश हो जाता है कि वह कहता है कि अब हमारे शहर में आने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती है, हो जाएगी, सब यह घड़ी को देखकर खुशी होंगे। सूचे कहता है कि हुजूर कुछ दरखास्त पेश करना है, तो वह बताते हैं कि आपके दरबार में हमें भी जगह दे। देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हुसाक पूरे जब कार्यक्रम जब सजा रहा था, कार्यक्रम के आयोजन में व्यापारी लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के प्रति यह भी राजा के सामने अपनी मांगे रखते हैं कि आपके दरबार में हमें जगह चाहिए। जब आपके दरबार में जब हमें स्थान मिलेगी तो हमारा भी दबदबा होगा राज दरबार में, राजा के ऊपर भी हम प्रभाव डाल सकते हैं। इसी कारण शिवचे कहते हैं कि आपके दरबार में भी हमें जगह चाहिए। महाराज कहता है कि इस पर विचार किया जाएगा। फिर हुसा के ही बात कहने पर महाराजा, आप लोगों को इतने उतावले क्यों हो रहे हो? देखिए फिर राजा को यह प्रश्न संदेह उठता है कि आखिरकार घड़ी लगाई गई बिना मंजूरी के, अब आप मेरे दरबार में अब जगह की बातें कर रहे हैं। तो राजा को जब संशय यानी संदेह जब उसके मन में उत्पन्न हो जाता है तो वह कहता है कि आप सभी इतने उतावले क्यों हो रहे हो? आप लोगों ने घड़ी यहाँ पर किसके मंजूरी से लगाया? यह हमारी रियासत है। देखिए राजा फिर उल्टे पड़ जाते हैं। वह कहते हैं कि हमारे राज्य में यानी हमारे प्रदेश में हमसे बिना मंजूरी आपने घड़ी लगाई, ये तो हमारी ही रियासत है क्योंकि हमारा ही प्रदेश है, यह हमारा हुकूमत चलता है। वह राजा यह भी कहता है कि जितना हमारा प्रदेश है वहां पर हमारा ही अधिकार चलेगा, हुकूमत चलेगा। हानुष से पूछता है कि यह घड़ी तुमने क्या सोच कर बनाई थी? हानुष उत्तर देता है कि राजा के शान बढ़ाने के लिए और राजधानी का रौनक बढ़ाने के लिए मैंने बनाया है। देखिए जिस तरह से राजा के प्रश्न के बाद हानुष जो उत्तर देता है कि मैंने यह घड़ी राजा के शान बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि राजधानी का रौनक बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी जब राजा यानी नाखुश हो जाते हैं तो यहाँ पर राजा ऑलरेडी यह सोच कर आया है कि इस कलाकारी को हमें किस तरह से चक्रव्यूह में फंसाना है। महाराजा कहता है कि हम खुश हुए इन्हें 1000 सोने के सिक्के दिया जाए। जब हानुष यह कहता है कि मैंने यह घड़ी राजा की शान बढ़ाने के लिए किया है, राजधानी की रौनक बढ़ाने के लिए मैंने बनाया है, तब महाराजा खुश होकर उन्हें 1000 सोने के सिक्के वह देने के लिए घोषणा करते हैं और आपको एक आदमी को दरबार में भी जगह दिया जाएगा। यहाँ तक कि बाद में हानुष को भी एक दरबारी बनाया दिया जाता है। साथ साथ वहां पर जो शिवचेक जिस तरह से दरखास्त पेश की थी यानी जो अपने दरबार में जो जगह मांगी थी उसके ऊपर राजा कहता है कि किसी एक आदमी को मेरे दरबार में स्थान दिया जाएगा। हुसा कहता है कि महाराज आपकी दया से नगर पालिका पर घड़ी लग गई है। जिस तरह से हुसाक राजा को यानी वर्णन करने में लगा है, वह कहता है कि आपकी ही दया के कारण यह घड़ी यहाँ पर लग गई है, इससे देश को बड़ा लाभ होगा, दूसरी घड़ी जब बनेगी तो आपकी महल पर लगाई जाएगी। तो हुसाक जो है पूरी कार्यक्रम की जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाया है पूरे उद्घाटन के समारोह की, वह राजा से यह आश्वासन देता है कि यह घड़ी तो आपकी दया से यहाँ पर लग गई है, जब दूसरी घड़ी जब बनेगी तो आपकी महल पर लगेगी। महाराज हानुष को देखते हुए कितने दिनों में दूसरी घड़ी बनेगी, वह हानुष से प्रश्न पूछता है कि यह जो दूसरी घड़ी जो कितने समय में बनेगी। हानुष, जल्दी बनाएंगे हुजूर। राजा कहता है कि तुम अगर घड़ी बना बना कर बिना इजाजत से बेचता है तो भी इससे भी दूसरे देश में बेच दिया जाता, नगर पालिका को फायदा होता क्यों? तो जिस तरह से अब राजा को हानुष के ऊपर यह संदेह होने लगा है कि आपने 17 साल तक बिना हमें बताए घड़ी बनाया है, अगर आप मेरे राज्य में रहकर घड़ी बनाकर अगर दूसरे देशों को अगर बेचता रहे तो आखिर आपके ऊपर विश्वास नहीं किया जाएगा। तो वह राजा हानुष से प्रश्न पूछता है।
महाराजा कहते हैं कि अगर घड़ी दूसरे शहर में लगनी लगाई जाएगी तो लोग हमारे शहर नहीं जाएंगे। तो वह कहते हैं कि अगर घड़ी यही घड़ी अगर दूसरे शहर में भी अगर होंगे तो लोग वहीं पर चले जाए। तो छात्रों, मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो महाराज जो है, जो राजा है, वह हारनूस को एक संदेह समझे की दृष्टि से देख रहे हैं कि आखिरकार यह कि घड़ी की दूसरी घड़ी जब बनेगी, इससे भी अगर बहुत अच्छी बन जाएगी तो हमारी घड़ी का जो मूल्य है, उनका जो वैल्यू है, कम हो जाएगा। तो देखिए, आपको पता होगा शाहजहां जो ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो शाहजहां ताजमहल के निर्माण के कार्य में जो वहां बनाने का जो प्रमुख जो शिल्पी था, बनाने वाला, शायद आपको उसका नाम पता होगा, उस्ताद ईसा। ताजमहल संपूर्ण बन जाने के बाद शाहजहां ने उस उस्ताद ईसा नामक उस शिल्पी के हाथ यानी कटवा दिए थे। इसलिए कटवा दिए थे कि अगर यह शिल्पी दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश जाकर जब यही तरह से इससे बेहतर भी जब वह इमारत बनाएगा तो हमारा इमारत की वैल्यू, उसकी मूल्य और उसकी चर्चा और उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसी कारण यहाँ पर अब महाराजा को भी इस बात की संदेह हो रहा है कि अगर हानुक इससे भी बेहतर जब घड़ी बनाएगा तो इस घड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी कारण वह हानुक से प्रश्न पूछते हैं कि आप ऐसे अगर बेचेंगे, अगर काम करेंगे तो शायद ये तो उल्टा हो जाएगा हमारी घड़ी को। वह यह भी कहता है कि वह जब आप इस तरह से घड़ी बेचेंगे तो इस घड़ी को कौन देखेगा, हमारे शहर कैसे विकसित होगा। हानुष की ओर देखते हुए वह, तुम झूठे बोले हो कि घड़ी मुल्क की शान बढ़ाने के लिए बनाई है। तो वह उल्टा हानुष के ऊपर राजा दबाव डालते हैं कि आपने मुझे झूठ उत्तर दिया है, आपने घड़ी यानी राज्य की शान बढ़ाने के लिए इसकी निर्माण जो नहीं बनाया है। हानुष कहता है कि हुजूर, दूसरी घड़ी बनाने में मेरी कोई इरादा ही नहीं, इस घड़ी को बनाने में मेरी जवानी ढल गई है। मालिक, महाराजा कहता है कि मुझे खबर दिए बिना तुमने घड़ी बनाई है। हमारा फैसला यह है कि इस आदमी को और घड़ी बनाने का इजाजत नहीं होगी। और यहाँ पर राजा भी यह घोषणा करते हैं कि आपने बिना पूछे आपने यह घड़ी बनाया है, 17 साल समय आपने लगाया और मुझे कुछ जानकारी भी नहीं, अब आप दूसरी घड़ी नहीं बनाएंगे, मैं इसका कैसे आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो वह हानुष कहता है कि मुझे और कोई दूसरी घड़ी बनाने में कोई ख्वाहिश भी नहीं है, मेरा इरादा भी नहीं है। फिर भी वह राजा नहीं मानते, वह कहता है कि इस घड़ी को दूसरी घड़ी बनाने में उसे रोक लगा देनी चाहिए, इसे कोई इजाजत नहीं देना चाहिए। महाराजा कहता है कि यह आदमी 17 साल तक चुपचाप घड़ी बनाता रहा, इन्होंने चुपके से ही नगर पालिका पर घड़ी लगवा दिया, हमें बाद में खबर दी गई, ऐसे आदमी पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर हानुष के ऊपर राजा भड़क उठते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। वह यह कह देते हैं कि जो इंसान हमें 17 साल तक अंधेरे में रखा, हमें जानकारी नहीं दिया, हमें बिना पूछे नगर पालिका पर घड़ी लगवा दिया, ऐसे इंसान के ऊपर हमें कैसे विश्वास किया जाए। तो राजा यह कहते हैं कि इस आदमी के ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। हानुष कहता है कि हुजूर, मेरा कोई दूसरी घड़ी बनाने का इरादा नहीं है। महाराज कहते हैं कि तुमने घड़ी बनाने की इजाजत हमसे क्यों नहीं ली। तो महाराज वह प्रश्न पूछते हैं, जो ऑलरेडी आपने घड़ी बनाई है उसकी इजाजत, घड़ी बनाने का जो परमिशन है, हमसे क्यों नहीं ली, हमें क्यों नहीं जानकारी दिया, यह राजा प्रश्न पूछता है। हानुष बोलता है, यह आपकी ही दौलत है मालिक। महाराज फिर कहता है कि जो आदमी सालों तक छिपकर घड़ी बनाया है वह आगे क्यों नहीं बनाएगा, यह धोखेबाज आदमी है। तो वह राजा हानुष को धोखेबाज कहता है, वह गुस्से में आ जाता है, वह हानुष को फटकार देने की कोशिश करता है, वह हानुष को उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखने की बात करता है, उसे धोखेबाज कह यहाँ तक भी वह कह देते हैं। महाराज कहते हैं कि इनके दोनों आंखें निकाल दिया जाए। तो आखिरकार वह जो राजा है अपने अधिकार चलाते हैं और हानुष को वह अपने सैनिकों से यह घोषणा कर देते हैं कि जो इंसान यह घड़ी बनाया है हमसे इन्होंने मंजूरी नहीं ली और यह घड़ी आगे नहीं बनाएंगे, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। यह जो इंसान है जो घड़ी बनाया है वह हकीकत में एक धोखेबाज इंसान है, इनकी आंखें निकाल देना चाहिए। जो छात्र, मैंने अभी तक आपको अभी भी शाहजहां और उनके शिल्पी,
उस्ताद ईसा के बारे में बताया। शाहजहां ने भी अपने उस शिल्पी को, ताजमहल बनाने वाले शिल्पी का भी उन्होंने हाथ कटवा दिया था। यहाँ पर राजा भी यह घड़ी इस तरह से दूसरी नहीं बनना चाहिए, इसी कारण उनके आंखें निकाल देने की वह घोषणा कर देते हैं। उसकी आंखें नहीं होगी तो और वह घड़ी नहीं बना सकेगा, यह राजा सोचता है। हुसा कहता है कि वह घड़ी नहीं बनाएगा मालिक, उनकी आंखें न निकाली जाए। देखिए जहां पर वो व्यापारी खड़े हुए हैं वहां पर जो भी है वह सब कुछ राजा से निवेदन करते हैं कि वह दूसरी घड़ी नहीं बनाएगा, वही उनका अंतिम फैसला है, वही तो वह बार बार कह रहा है, फिर भी राजा वह नहीं मानते, उनकी आंखें न निकाली जाए। राजा फिर कहता है कि हमने अब सोच समझ कर ही यह जो मैंने फैसला लिया है, अभी उनकी आंखें निकालने की सोच समझ कर ही यह फैसला सुनाया है, इसे ले जाओ। दो अधिकारी हानुष को पकड़ कर ले जाते हैं। हानुष घबरा कर, मैंने कोई जुल्म नहीं किया मालिक, मेरी आंखें मत निकालो। देखिए हानुष के बारे में यहाँ पर जिस तरह से नाटककार ने हानुष को एक जो राजा है हानुष को जिस तरह से एक बलि का बकराया बनाया है उसे, हानुष बार बार निवेदन करते हुए भी राजा उसकी निवेदन नहीं सुनते हैं। दो अधिकारी उन्हें पकड़कर राजा के हुक्म के अनुसार उन्हें आंखें निकालने की कोशिश करते हैं, उन्हें पकड़कर वहां से ले जाते हैं। आखिरकार राजा अपना फैसला दे देता है और राजा यह भी कहता है कि मैंने जो यह आंखें निकालने की जो फैसला कहा है यह मैंने सोच समझ कर ही कहा है, चाहे तो हम उस फैसले को हाथ या टांग उनको काट करने के लिए कहते थे, लेकिन मैंने जो उनके आंख निकालने की जो मैंने फैसला सुनाया है यह फैसला भी मैंने सोच समझ कर ही कहा है, यह राजा कहता है। हानुष को पकड़ कर ले जाते हैं, दो अधिकारी हानुष को पकड़ कर वहां से ले जाते हैं। महाराज कहता है कि ऐसी घड़ी मुल्क में सिर्फ एक ही रहेगी। देखिए जैसे मैंने ताजमहल का आपको उदाहरण दिया, उसी तरह यहाँ पर राजा भी कहता है कि यह घड़ी मुल्क में सिर्फ एक ही रहेगी। महाराज वहां से चले जाते हैं, बाहर शोरगुल होता है और उसी संदर्भ में वहां पर पर्दा गिरता है। देखिए छात्रों, यह महाराजा जो है हानुष को इतने कड़ी मेहनत के बाद घड़ी बनाने के बाद भी हानुष से उन्होंने तो सिक्के, सोने के सिक्के देने का ऐलान किया, साथ साथ आखिरकार हानुष के जीवन का बर्बाद, हानुष को आंखें निकालकर हानुष को एक मानसिक पीड़ा देने की कोशिश यहाँ पर राजा किया है। यहाँ पर नाटककार ने राजा के जो आदेश होता है, नाटककार ने राजा के आदेश के अनुसार हानुष की जो तकलीफें हैं उसी के साथ साथ नाटककार ने यह भी बताने की कोशिश किया है कि अगर एक राजा अपने फैसले के साथ साथ एक परिवार को किस तरह से तबाह बर्बाद कर सकता है, उसी का भी जिक्र यहाँ पर नाटककार ने इस राजा के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार उसका जिक्र भी किया है। तो यहाँ पर हानुष को दो अधिकारी पकड़ कर उसे आंखें निकालने के लिए उसे ले जाते हैं, उसी संदर्भ में यहाँ पर पर्दा गिरता है। नेक्स्ट भाग में